अरे इसका नाम संजय है। हाँ ये हिंदू है लेकिन ये अच्छा है। कमाल की लाइन है ना। देखो मैं धर्म नहीं खोज रहा हूँ किसी मूवी के अंदर, लेकिन इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह की जो लाइंस जो बोली जाती हैं मूवी के अंदर, वो इरिटेशन पैदा कर देती हैं और उसको लेके थोड़ी घबराहट सी होती है। यार क्या यार, हिंदू बुरे हैं, हिंदू मतलब इनटॉलरेंट हो गए हैं, मतलब क्या माइंडसेट लेके ये लोगों को दिखा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजी मीडियम की, जिसे डायरेक्ट किया है होमी जानिया ने और जिसके अंदर कास्ट है इरफान खान, करीना कपूर खान, राधिका मदन, दीपक डोबरियाल, रणवीर शोरे, पंकज त्रिपाठी और भी अन्य कलाकार हैं। अगर मैं इस मूवी की कहानी की बात करूं तो एक लड़की है अनन्या, जिसे प्ले किया है राधिका मदन ने, और ये जो लड़की है इसका एक सपना है कि ये बाहर यानी लंदन में जाके पढ़े, और इसके पिता जिसको प्ले किया है इरफान खान ने एज ए चंपक, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, यानी अनन्या से बहुत प्यार करते हैं। अनन्या पांडे नहीं, वो स्ट्रगलिंग वाली एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत एक्ट्रो स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग करती है। ये जो अनन्या है इसमें, जो ये अनन्या है ये बाहर जो पढ़ना चाहती है, जो इसके पिता जो है वो बाहर भेजना नहीं चाहते यार, उसको डर लगता है, भेजना नहीं मतलब उनको डर लगता है कि यार वो जाएगी उससे अलग हो जाएगी। एक वो प्यार जो है ऐसा नहीं कि वो पढ़ाना नहीं चाहते, वो पढ़ाना चाहते हैं, वो कहते हैं भी कि तू जयपुर जाके पढ़ ले अगर तुझे पढ़ना ही है तो। लेकिन लड़की को एक मौका मिलता है स्कूल की तरफ से कि वो बाहर जा सके, वो लंदन में एक कॉलेज में एडमिशन ले सके, लेकिन अपने पिता की कुछ हरकतों की वजह से वो एडमिशन कैंसिल हो जाता है, उसको बाहर जाना नहीं मिलता। तब उसके पिता उसकी मुस्कान वापस लाने के लिए, उसको फिर से हंसाने के लिए जो वो प्रयत्न करता है, अपनी सारी की सारी जमीन जायदाद वो बेच देता है। तो ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी की जो पहली सीरीज थी जिसके अंदर, जिसका नाम था हिंदी मीडियम, जिसमें प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बीच में जैसे दिखाया गया था कि कैसे प्राइवेट स्कूल वाले डोनेशन लेते हैं, कैसे वहाँ पे शिक्षा का अभाव है गवर्नमेंट स्कूल में, या इन सब चीज़ों को जैसे वो मुद्दा उठाया गया था, वैसे इस मूवी की अगर बात करूँ अंग्रेजी मीडियम की, तो इसमें इस प्रकार की कोई भी आपको सोशल मैसेज देखने को नहीं मिलता है। हाँ ये अपने पथ से जो अंग्रेजी मीडियम थी कि भाई हाँ इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ या सोशल मैसेज दिया जाएगा, वो इसमें नहीं है। वो इसका लास्ट में अगर ये मूवी का अगर कंक्लूजन निकालूं तो ये आप समझ ही नहीं पाओगे कि मूवी आखिर में है किसके बारे में। अंग्रेजी मीडियम जिसमें आप एक ऐसी लड़की का सपना दिखाना चाहते हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहती है और उसके पिता वो मेहनत करते हैं, या फिर कुछ अलग ही जिसमें बहुत सारी चीज़ें खिचड़ी पक रही हैं उस मूवी में, या कॉमेडी बन रही है। सिंपल साफ और सरल शब्दों में मैं ये बात कहूं कि मूवी अपने पथ से भटकी हुई है। ओके ये तो पता ही है कि भैया अनन्या जो है वो लंदन जाएगी, वैसे मूवी के ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया है, वो जाली भी जाती है, ऐसे नहीं है नहीं चली जाती, पिता उसके मेहनत करके उसको छोड़ के भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बात करनी है। अनन्या जब लंदन में जाती है तब वो वहां पे उनका कल्चर देखती है कि बच्चे वहां पे अपने माँ बाप से पैसे नहीं लेते, क्योंकि उनको फ्रीडम है बहुत ज्यादा और वो काम करते हैं, अपने माँ बाप की सुनते नहीं है। तो अनन्या को भी ऐसा भूत चढ़ जाता है कि यार ओहो फ्रीडम मिल गई, क्योंकि क्या है कि भाई देश जो है वो भारत देश है, वहां पे बच्चों को प्रतिबंधित मतलब प्रतिबंध किया जाता है उनके ऊपर, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये सब चीजें ये मूवी दिखाती है। देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मूवी बोल रही है, बॉलीवुड वाले बोल रहे हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो एक सीन में मूवी में अनन्या अपने पिता को कहती है कि अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, मैं कमाने लग गई हूँ, मैं अब आपकी डांट नहीं सुनूंगी, अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। ये जो सीन जो देखा ना यार, क्या कल्चर, किस चीज़ को, किस चीज़ की फ्रीडम की बात कर रहे हैं वो बच्चे। आज की डेट में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, एक फैशन चल पड़ा है बॉलीवुड वाले की नज़र में, जब वो चलाना भी चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से चीख कर चिल्ला कर बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी रिलीज हुई थी लव आजकल इम्तियाज अली की, जिसमें वो दक्कन उसी चीज़ें दिखाई गई थी, पता नहीं सरदर्द वो मूवी, तो उसमें भी एक जो लड़की है वो अपने माँ से चिल्ला के बात करना, ये तो एक फैशन ही चल पड़ा है कि भाई हाँ बच्चों को सिखाया जाए कि तुम फ्रीडम के नाम पे अपने माँ बाप का सम्मान करना छोड़ दो, तुम उनके साथ चिल्ला कर एकदम बिल्कुल जंगलियों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम 18 साल के हो गए हो, अब तुम्हें आज़ादी मिल गई है, फ्रीडम। ये जो इन्होंने जो यूज़ किया वर्ड, वो फ्रीडम यूज़ किया, कौन सी फ्रीडम चाहिए, कौन सी आज़ादी चाहिए, माँ बाप से माँ बाप का सम्मान ना करने की आज़ादी, या देश विरोधी नारे लगाने की आज़ादी, या फिर वो अपने कल्चर की वैल्यू सिखाएं उस चीज़ से छुटकारा पाने की आज़ादी चाहिए होती है इनको। ऐसे ही एक मूवी में एक और
सीन है जब करीना कपूर खान, जिन्होंने प्ले किया एज ए नैना, जो एक लंदन में पुलिस ऑफिसर है, वो भी अपनी माँ पे चिल्ला चिल्ला के बात करती है। तो ये सारी चीजें दिखाना कि भी एक बच्चे की भी खुद की एक लाइफ होती है, वो अपनी लाइफ जीना, देखो यार ऐसा कोई नहीं कहता कि अपनी लाइफ मत जियो, हर कोई जीता है, लेकिन ये दिखाना कि उनकी फ्रीडम पे भारत में बहुत प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, ये सरासर चीजें गलत है। जिस देश में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस देश में ऐसा दिखाना कि बच्चे वहां पर सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर प्रतिबंध है, ये चीजें मुझे नहीं लगता कि कोई सही है इस मूवी के लिए। अगर माँ बाप अपने बच्चे की फिक्र करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो किस प्रकार का प्रतिबंध? हाँ ठीक है, मैं मानता हूं जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे एक टाइम पे माँ बाप से थोड़ा सा अलग इसलिए होना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खुद चलना सीख ले, उसे ये नहीं रहे कि हर टाइम उसके पीछे उसके माँ बाप खड़े। जब तक वो खुद चलना नहीं सीखेगा, वो आगे बढ़ेगा कैसे? ये बात मैं मानता हूं, लेकिन इतना भी वो आगे ना चला जाए कि अपने माँ बाप का सम्मान करना ही छोड़ दे। खैर मुझे अब इससे ज्यादा बात भी नहीं करनी है मूवी के बारे में, जितनी करनी थी वो मैंने कर ली। अब मैं बात करूं इसमें एक्टिंग की, बेशक इरफान खान की जो एक्टिंग है वो उन्होंने बेहद उम्दा लेवल की है, चाहे वो करीना कपूर खान हो या फिर राधिका मदन, बहुत मासूमियत से उनकी जो मुझे वो चेहरा लगा वो बहुत पसंद आया। मूवी में कॉमेडी भरपूर है, काफ़ी जो सीन थे, एक्टिंग जो बोली जो हर चीज़ मुझे बहुत परफेक्ट लगी, लेकिन ये जो कहानी थी ये मुझे कहीं अच्छी नहीं लगी। खैर अपनी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है, आपको पसंद आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं आई वो अलग बात है। ठीक है, हर एक को फ्रीडम, भैया मुझे भी फ्रीडम है, ठीक है ना। मेरे माँ बाप ने तो आज तक यार कभी फ्रीडम, मैंने तो मतलब मेरे माँ बाप ने क्या, मैंने तो आज तक कभी अपने माँ बाप से ये नहीं कहा कि मुझे आज़ादी चाहिए। ठीक है, उन्होंने तो मुझे इतना दिया है कि यार कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई हाँ भी मैं इनसे कहूँ कि मुझे ये चाहिए। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, फिक्र की, प्यार किया, अच्छा लगता है वो चीज़ें यार। आज भी जो फ़ोन आता है तो बहुत सा उनसे बात करते हैं तो अच्छा लगता है, अपने दिल की बातें वहाँ करते हैं यार। पूरे दिन की जो एक काम करके आते हैं वो पूरे दिन की भड़ास निकल जाती है, अपने माँ बाप से बात करते हैं। तो ये कहना कि माँ बाप से छुटकारा चाहिए, देखो यार मुझे तो चाहिए नहीं, इन जैसों को चाहिए होगा। ये बॉलीवुड वाले जो ये ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सेकंड का कुछ बोल देना कि भाई हाँ वो ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता कि वो फेयर किया इन्होंने। खैर मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 3 out of 10 स्टार। बाकी मूवी के ऊपर तो बड़ा असर पड़ रहा है कोरोना वायरस का, ठीक है, लगे हुए। खैर आज के लिए बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।